नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे मनीष कश्यप को लेकर। बिहार बेतिया के रहने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप के घर पर कुर्की की कार्रवाई शुरू होने के बाद मनीष कश्यप ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि मझौलिया थाना क्षेत्र के महना डुमरी में मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती बेतिया पुलिस कर रही है। बता दें कि 193/21 मझौलिया कांड में मनीष कश्यप की जमानत याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मनीष पर बेतिया में ही 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें 5 केसों में चार्जशीट दायर किया जा चुका है। इसके अलावा एक मामले में पटना हाईकोर्ट में एक अग्रिम जमानत की प्रक्रिया जो चल रही थी उसे भी कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया। आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने जगदीशपुर थाने में अपने आप को सरेंडर किया। बताया तो यह भी जा रहा है कि मनीष कश्यप को अब आर्थिक अपराध इकाई को सौंपा जाएगा, जिसके बाद ईओयू की टीम इनसे पूछताछ करेगी। बता दें कि मनीष के घर पर कोर्ट के आदेश के बाद कई थानों की पुलिस मनीष के घर पर पहुंची और कुर्की की प्रक्रिया शुरू की। उनके घर पर बुलडोजर भी चलाए जाने की खबर सामने आ रही। मनीष कश्यप के घर के सामान को भी जब्त किया गया है। बता दें कि मनीष कश्यप का घर बेतिया जिले के मझौलिया थाना के महना डुमरी गांव में है। शनिवार के तड़के सुबह करीब 5 बजे का समय था जब बड़ी संख्या में पुलिस बल मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी मनीष के घर पहुंचे। पता तो यह भी जा रहा है कि चौखट किवाड़ के साथ साथ खिड़कियों को भी जो है पुलिस अपने साथ ले गई, साथ ही साथ घर के अंदर के कई सामान भी जो है पुलिस ले जाने की खबर जो है मीडिया में चल रही है। अब बात कर लेते हैं मनीष पर लगे आरोपों के बारे में। मनीष पर तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की कथित पिटाई का वीडियो गलत तरीके से सोशल मीडिया में वायरल करने का आरोप लगा है। बता दें कि फेक वीडियो में 5 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें कि 3 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। मनीष के साथ साथ एक और आरोपी फरार चल रहा था। बता दें कि मनीष पर तमिलनाडु वाले मामले के अलावा 7 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें कि इन 7 में से 5 मामले में मनीष के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है। बता दें कि मनीष कश्यप ने पहले पटना हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष की पड़ताल करनी शुरू कर दी। कई जगहों पर दबिश भी दी गई, हालांकि बाद में मनीष ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। मनीष का सरेंडर करने वाले मामले पर बोलते हुए SDPO मुकुल परिमल पांडे ने बताया कि मनीष कश्यप फरार चल रहा था, उसके घर की कुर्की की गई, उसके बाद करीब 9 बजे उसने जगदीशपुर थाने में सरेंडर कर दिया। इधर पश्चिम चंपारण के SP उपेंद्र नाथ वर्मा ने मनीष कश्यप के सरेंडर करने की पुष्टि की है। SP ने यह भी बताया है कि जिले में उन पर दर्ज 5 मामलों में पुलिस चार्जशीट दायर कर चुकी है। सरेंडर के बाद उन्हें पूरी सुरक्षा में रखा गया है। जिले में दर्ज मामले में भी पुलिस उन्हें रिमांड करेगी। आपको बता दें कि मनीष कश्यप तब और मीडिया की सुर्खियों में आए और तब जो है उनकी परेशानियां तब और बढ़ गई जब उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव हम आपकी सरकार गिरा देंगे, जेल से निकलने के बाद 180 दिनों के अंदर जो है हम आपकी सरकार को गिरा देंगे। इस तरह के कई बयान सामने आए, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियां जो है, खास करके अगर हम पप्पू यादव की बात कर लें, तो उन्होंने खुले तौर पर मनीष कश्यप का विरोध किया और उन्होंने कहा कि आपको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल जो मामले हैं उसमें तमिलनाडु वाले प्रकरण और बिहार में 7 अलग अलग मामलों में जो है मनीष कश्यप के खिलाफ जो है कार्रवाई की बात कही जा रही है। 5 मामले में तो खास करके चार्जशीट दायर की गई है। एक मामला जो है जिस पर उन्होंने अग्रिम जमानत की बात कही थी, कोर्ट्स के उन्होंने अर्जी लगाई थी, लेकिन वह खारिज हो गई। उसके बाद जो है कोर्ट ने कुर्की का मामला सामने आया। उसके बाद आज सुबह जो है तड़के सुबह 9 बजे जो है एक तरह से कह लें कि उन्होंने जगदीशपुर थाने में मनीष कश्यप ने अपने आप को सरेंडर किया है। इस पूरे खबर में अभी और भी अपडेट आते रहेंगे, हम आगे आपको इन तमाम अपडेटों से रूबरू कराते रहेंगे। तो यह था मनीष कश्यप से जुड़ा हुआ खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहना हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।